कहो कि शरीयत के खिलाफ निकाह में बंद करो करना, हम फ्री में निकाह पढ़ाएंगे, मगर आप तो 500 रुपये में बिक रहे हो। जलसों के लिए अल्लाह के फजल करम से मेरा पेशा तकरीर करना नहीं है, फिर भी लोग नहीं मानते हैं, और अब तो एक साल से बैठ गया हूं, मजबूर हो गया हूं, बाहर जाता भी नहीं, यही दोस्त अहबाब का कई इसरार होता है, मजबूरन कुर्ब जवार में कभी चला जाता हूं। जब जाता था उस वक्त भी कर्नाटक से फोन आते थे, बंबई से आते थे, हजरत तारीख खाली है? मैंने कहा मुझे देखने दो, डायरी देखी, अगर खाली है तो बता के, हाँ भाई खाली है, तो हजरत आपको क्या देना होगा, ये तो आदत बन गई है ना कि हजरत क्या देना होगा जी, उसके बगैर कोई मुकर्री आता ही नहीं है, कोई नाथ खां आता ही नहीं है, और बाज नाथ खां और बाज मुकर्रीर तो सराहतन कहता है मेरी फीस एक रात की इतनी है, आप यहां कह रात चाहिए, ए बेहूदो फीस तो रंडी की होती है, नाखा की फीस होगी, तकरीर करने वाले मुकर्रर की फीस होगी, बहुत हो, एक तारीख चाहिए कि दो तारीख, एक तारीख की फीस इतनी है, दो सब का जलसा कीजिएगा तो इतनी फीस, तो इससे ही मुतासिर है पूरा मुआशरा, मुझसे भी पूछते लोग कि हजरत क्या देना होगा, तो कभी तो मैं कहता हूं कि 2 करोड़ भाई, बहुत बेशक, कहते हैं हजरत मजाक कर रहे हैं आप, मैंने कहा नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, जब अपने को बेचना ही है तो इतना सस्ता क्यों बेचूंगा, हक है, बेशक 10-20 हजार में सस्ता बिकने वाला आदमी हूं, 2 करोड़ भी अपनी कीमत कम बता रहा हूं, हक तो नहीं हजरत, सही बताइए ना क्या, मैंने कहा सही यह है कि वहां से टिकट भेज दो या टिकट के पैसे भेज दो आने जाने का, बकिया तुमको 1 रुपया देना हो 1 करोड़ देना हो तुम्हारी मर्जी है, हक है, बहुत बहुत माशाल्लाह, ये नात बेच रहा है, ये तकरीर अल्लाह रसूल की बात बेच रहा है, अल्लाह हू अकबर, पेट पालने के लिए कोई जरिया नहीं हो,